असलम डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ रेहम रामान एंड आई एम योर कम्प्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड नाइन और टोडेज टॉपिक एक फ्लो चार्ट एग्जाम्पल्स सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले लेट्स हैव आ क्विक रिकैप ऑफ आर प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडिशनल फ्लो इन द फ्लो चार्ट कंडिशनल फ्लो क्या है जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन दी जाती है हमें कि वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स स और नो दैट इज कॉल्ड कंडीशन इस कंडीशन को हम जब अपने फ्लो चार्ट में इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फ्लो इसको इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं अपने डिसीजन वाला सिंपल दैट इज ऑफ डायमंड शेप और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अब हमारा फ्लो चार्ट किस फ्लो में मूव करेगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा इफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू तब क्या एक्शन होगा एंड इफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स तब हम क्या एक्शंस लेंगे और इसको हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल से डिस्कस किया था ताकि आपको एक अच्छी तरह से समझ आ जाए इस कंडीशनल फ्लो की अब हम आज के लेक्चर में अगेन एग्जाम्पल्स करेंगे फ़्लो चार्ट की और उसमें हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे ताकि आपकी ऐसे फ़्लो चार्ट्स पर अच्छी तरह से ग्रिप बन जाए और आप उनको ज़्यादा बेहतरी कम टाइम में जल्दी से ड्रॉ कर लें

हम स्टार्ट करेंगे अगेन यूजिंग द टर्मिनल और उसमें से हम लिखेंगे स्टार्ट यहाँ से हमारा फ्लोचार्ट स्टार्ट हुआ लाइन से कनेक्ट करेंगे अब तक आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं यूज़र से इनपुट हमने अपना पैरालेलोग्राम लिखा यहाँ पर और उसमें हमने ली यूज़र से इनपुट हमने थ्री अन नंबर्स लेने हैं यूज़र से इनपुट एंड ज़ीरो वन एंड टू देन हमने एरो लाइन ड्रॉ की एंड कम्स द प्रोसेसिंग पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग पार्ट तक सारे फ्लो चार्ट सेम चलते हैं जो भी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं दैट इज आफ्टर दिस प्रोसेसिंग पार्ट इस प्रोसेसिंग पार्ट में जो कैलकुलेशन होती हैं उसका रिजल्ट पर हम डिसीजन्स लेते हैं सो आफ्टर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर वी मूव टूवर्ड द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट अब इस प्रोसेसिंग पार्ट में हमने क्या किया हमने एक नाम लिया लार्ज जिसमें हमने डेटा स्टोर कर दिया जो यूज़र ने हमें एन ज़ीरो में डाला था जो भी नंबर यूज़र ने एन जीरो में ऐड किया था उसको हमने इज इक्वल्स टू कर दिया लार्ज के हमने ये मेमोरी असाइन कर दी सिस्टम के अंदर के जो लार्ज है दैट इज़ इज टू एन जीरो में जो भी वैल्यू यूजर ने दी है देन वी मूव टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट अब हमको ये चेक करना है कि क्या कौन सा नंबर लार्ज है और कौन सा नहीं है सो हेयर इज द डिसीजन मेकिंग पार्ट इसमें हमने एक कंडीशन लगाई कि एन वन जो सेकेंड नंबर यूजर ने एडिक किया है इज दैट ग्रेटर देन लार्ज और लार्ज में जैसे कि हम देख रहे हैं प्रोसेसिंग पार्ट में हमने लार्ज को इज इक्वल्स टू किया है एन जीरो के सो एन वन इज लार्जर देन इज ग्रेटर देन लार्ज इफ यस अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है देन हम प्रोसेसिंग पार्ट पे अगेन आएंगे और हम प्रोसेस करेंगे कि हमने लार्ज की वैल्यू को अब इक्वल कर दिया एन वन के बिकॉज एन वन इज़ ग्रेटर देन लार्ज और लार्ज में ऑलरेडी वैल्यू थी एन ज़ीरो की तो हम इसको ओवर करेंगे लार्ज में अब हम वैल्यू देंगे अब हम चेक करेंगे हमने चेक कर लिया अब हम इसको प्रोसेसिंग में ओवर कर दी हमने वैल्यू अब हमने लिखा लार्ज इज इक्वल्स टू एन वन अगेन ये प्रोसेसिंग करने के बाद अब हमारे पास एक और नंबर है बिकॉज हमने थ्री नंबर्स लिए हैं यूजर से अब हमने फर्स्ट टू को तो जज कर लिया अब हमने थर्ड को भी वैलुएट करना है कि वो ग्रेटर है कि नहीं देन अगेन द डिसीजन मेकिंग पार्ट कम्स हमने डिसीजन मेकिंग का सिंपल ऐड किया अब हम करेंगे एन टू इज ग्रेटर देन लार्ज यहां पे अब हमने कंडीशन लगाई कि क्या एन टू है ग्रेटर देन लार्ज लार्ज में अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है एन वन की एन जीरो नहीं रहा एन वन आ गया है सो एन टू इज ग्रेटर देन लार्ज इफ कंडीशन इज ट्रू याद रहे अभी तक हम ट्रू वाली कंडीशन पर चल रहे हैं कि यस इफ द कंडीशन इज ट्रू यस एन टू इज़ ग्रेटर देन लार्ज तो अगेन प्रोसेसिंग आई आएगी हमारे पास और अब हमने क्या किया हमने एक प्रोसेसिंग वाला अगेन रेक्टेंगल डाला जिसमें हमने लार्ज को इज इक्वल टू कर दिया एन टू के सबसे पहले हमने प्रोसेसिंग स्टेप में लार्ज को असाइन की थी एन जीरो की वैल्यू डिसीजन मेकिंग में हमने चेक किया कि एन वन क्या ग्रेटर देन लार्ज है मीनस एन वन क्या एन जीरो से लार्ज है इफ़ द येस देन हमने अगेन प्रोसेसिंग की हमने लार्ज को इज इक्वल टू कर दिया एन वन के अगेन हमने एक डिसीजन दिया कि एन टू इज ग्रेटर देन लार्ज अब लार्ज में स्टेप में वैल्यू कौन सी है एन वन की इफ यस yes, तो अगेन हमारी प्रोसेसिंग आएगी कि हमने लार्ज को इज इक्वल टू कर दिया एन टू के देन वील गो टू द आउटपुट सिंपल हमने लार्ज को प्रिंट करा दिया और अब लार्ज में कौन सी वैल्यू थी एन टू की मतलब जो यूजर ने एन टू में वैल्यू दी थी वो था द लार्जर नंबर और हमारा जो फ्लो चार्ट था वो हो गया एंड ये तो वो थी जब स्टेटमेंट्स ट्रू चल रही थी जो जो हमने डिसीजंस लिए वो ट्रू थे वो वाला फ्लो चार्ट अब देखते हैं कि जो हमने डिसीजन फर्स्ट लिया था जिसमें हमने ये डिसाइड किया था क्या एन वन ग्रेटर है लार्ज से लार्ज में वैल्यू थी उस टाइम एन ज़ीरो की अगर तो स्टेटमेंट थी ट्रू वो हमने देख लिया क्या होगा अब अगर स्टेटमेंट नहीं है ट्रू तो हम क्या करेंगे तो हम करेंगे कि हम वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट स्किप करेंगे और फिर अगेन हम आएंगे एक डिसीजन की तरफ अब हमने डिसीजन लेना है हमें पता चल गया एन वन की वैल्यू तो लार्जर नहीं है लार्ज से हम चेक करेंगे क्या एन टू की वैल्यू है ग्रेटर देन लार्ज अब हमने वो चेक की डिसीजन लिया उसमें स्टेटमेंट डाली एन टू इज ग्रेटर देन लार्ज अगेन इफ नो हमने येस yes वाली सारी स्टेटमेंट्स चेक कर ली हुई हैं अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है ट्रू नहीं है तो सिंपल हम प्रिंट कर देंगे लार्ज को और इस कंडीशन में लार्ज की वैल्यू क्या है पहले वाले प्रोसेस वाली लार्ज की वैल्यू है कि लार्ज को हमने असाइन की थी एन जीरो की वैल्यू तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एन जीरो की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यूज़र ने सबसे पहली इनपुट दी थी, थी और हमारा फ्लो चार्ट हो गया एंड आई होप ये थोड़ा सा लेंथ ही था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा कि इफ द कंडीशन इज येस हम कैसे चलेंगे एंड इफ द कंडीशन इज नो तो हम अपनी कंडीशन को कैसे चेक करेंगे इन अ लूप और फिर हम अपना फ्लो चार्ट एंड करेंगे इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया विद सिंबल टर्मिनल और हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर गए इज टेकिंग द इनपुट यूजिंग अ पैरेललोग्राम हमने इनपुट ली अब हम शो कर रहे हैं क्या ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ए बी सी के नाम से हमने जो भी यूजर ने इनपुट दी उसमें स्टोर कर दी नाउ देन आफ्टर द प्रोसेसिंग पार्ट कम्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट उसमें हमने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी क्या जो ए में वैल्यू है वो बी से ग्रेट है इफ यस yes, तो हम मूव कर गए और फिर हमने दूसरा हमने चेक की जो हमने और इनपुट ली थी यूजर से ए इज ग्रेटर देन सी क्या जो ए की वैल्यू है क्या वो सी से भी ग्रेटर है इफ yes तो हमने आउटपुट शो कर दी ए कि ए जो है वो तीनों अन एकवल नंबर्स में ग्रेट मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा थी कंपैरिजन डन और हमने अपना फ्लोचार्ट एंड कर दिया बट इफ जो फर्स्ट कंडीशन हमने लगाई है दैट इज इज ग्रेटर देन बी दैट इज नॉट ट्रू दैट इज नो द आंसर इज नो हमने फिर एक और स्टेप लिया हमने देखा क्या बी की जो वैल्यू है ट इज ग्रेटर देन सी ए की वैल्यू तो बी से ज्यादा नहीं है मीन्स के बी बड़ा है ए से फिर हमने अप्लाई की सेकेंड कंडीशन क्या बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है इफ यस yes, तो हमने आउटपुट सिंबल को यूज करते हुए आउटपुट शो कर दी बी जो कि बी इन तीनों गिवन इनपुट नंबर्स में से बड़ा था हमने आउटपुट कर दी बी और हमारा फ्लोचार्ट एंड हो गया पहले हमने डिस्क देखा कि अगर ए बड़ा है तो कैसे चलेगा फ्लो अगर बी बड़ा है तो कैसे चलेगा अब ये भी हो सकता है कि हमारे यूज़र ने जो सी में वैल्यू एंटर की है वो हो ग्रेटर सबसे उसका अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी दैट इज़ ए इज ग्रेटर देन बी देन हम चलेंगे इफ़ दैट इज़ यस फिर हम चेक करेंगे क्या इज ग्रेटर देन सी क्या ए सी से भी ग्रेटर है इफ दैट इज़ नो ए सी से बड़ा नहीं है मीन्स द ग्रेटर अमाउंट इज ऑफ सी तो हम प्रिंट करा देंगे जो भी वैल्यू सी के अंदर है एंड द फ्लो चार्ट इज गोइंग टू एंड ये हमने देखा कि एक ही प्रॉब्लम को हम दो डिफरेंट फ्लो चार्ट से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अब मतलब जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देखे थे हमने ये भी डिस्कस किया था एक ही प्रॉब्लम के ज़्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं आज हमने उसको प्रैक्टिकली किया फ्लो चार्ट की फॉर्म में कि प्रॉब्लम एक ही थी लेकिन हमने उनको दो फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन किया उसका एंड रिजल्ट निकाला लेट्स डिस्कस टू फ्लो चार्ट कि कौन सा फ्लो चार्ट ज़्यादा बेहतर था इनमें से स्टेप्स दोनों के एक जैसे ही थे लेकिन हमने क्यों दो को डिफरेंट फ्लो चार्ट्स में शो किया अगर आप गौर करें जो हमने पहला फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने यूज़र से जो इनपुट ली थी उसके बाद हमने जो प्रोसेसिंग स्टेप किया था उसमें हमने इनपुट को किसके साइन किया था हमने एक आ, पर्टिकुलर मेमरी का एरिया सेव कर लिया था विद द नेम ऑफ लार्ज हमने लार्ज इज इक्वल्स टू एन ज़ीरो कर दिया था जबकि दूसरे फ्लो चार्ट हमने कोई भी पर्टिकुलर मेमरी को सेव नहीं किया तो सो जो पहला फ्लो चार्ट था मीन्स वो कंप्यूटर की मेमरी को ज़्यादा यूज़ कर रहा है एज़ कंपेयर टू द सेकेंड वन फर्स्ट फ्लो चार्ट में कंप्यूटर का मेमरी पार्ट ज़्यादा यूज होगा सो so, मेरे हिसाब से आई थिंक जो हमारा सेकेंड फ्लो चार्ट है दैट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज उसमें हम कोई भी मेमरी यूज़ नहीं कर रहे कंप्यूटर की कोई एडिशनल मेमरी यूज़ नहीं कर रहे हमारा टाइम भी बच रहा है कि सिस्टम बार बार जाए मेमोरी से वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करे और फिर उसको कंपेयर करे हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं हमने एक नेस्टेड सा लूप लगाया कि इफ ये तो ये ये हमने एक लूप की फॉर्म में अपनी कंडीशंस को चेक कर लिया विद आउट गोइंग टू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर अगेन एंड अगेन और उसको फिर हम री करें ओवर करें इससे थोड़ा सा एफिशंसी ऑफ द फ्लो एफिशेंसी ऑफ द सोलूशन अफेक्ट करती है सो अगर हम इन दोनों फ्लो चार्ट्स को जो हमने अभी डिस्कस किए एक ही प्रॉब्लम के कंपेयर करें तो एफिशिएंसी के हिसाब से तो सेकंड फ्लो चार्ट है दैट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज उसमें हमने मेमोरी को इन्वॉल्व नहीं किया कंप्यूटर की कोई एडिशनल मेमोरी हमने यूज़ नहीं की कि हमें टू एंड फॉर मूव करना पड़े बीच में और हमारा टाइम वेस्ट हो सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑपटेन मार्क्स उसको हम डिस्कस करते हैं हमने इससे अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया यूजर से इनपुट ली हमें इनपुट रिक्वायर्ड है टोटल मार्क्स की और ऑप्टेन मार्क्स की उसके बाद हमने प्रोसेस किया परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड देन कम्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट हमने पहली डिसीजन लगाया कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन एटी इफ यस तो हमने प्रोसेस किया ग्रेड इज़ इक्वल टू ए प्लस हमने प्रिंट कराया ग्रेड को और फ्लो हमारा एंड हो गया बट इफ़ इट्स नो द परसेंटेज इज नॉट ग्रेटर दैन एट्टी अगेन अ डिसीजन कम्स परसेंटेज इज ग्रेटर दैन सेवेंटी दैन अस प्रोसेस कम ग्रेड इज इक्वल टू ए प्रिंट ग्रेड एंड बट अगेन इफ द डिसन इज नो परसेंटेज फिर हम एक और लगाएंगे डिसीजन दैट परसेंटेज इज ग्रेटर दैन सिक्सटी yes, तो हमने grade is equals to B किया print किया और end कर दिया But if it's no, again a decision काम ये अब आप देख रहे nested decisions आ रहे हैं Again a decision काम के percentage is greater than 50। हमने process किया grade is equals to C, print grade and flowchart ends। But if again the decision is no, फिर एक और डिसीजन आएगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 हमने प्रोसेस किया ग्रेड इज इक्वल्स टू डी हमने उसको प्रिंट करवाया एंड एंड बट अगेन इफ इट्स नो अगेन अ डिसीजन की उसमें हमने देखा कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 30 तो हमने प्रोसेस किया ग्रेड इज इक्वल्स टू ई प्रिंट ग्रेड और एंड अगेन इफ इट्स नो तो क्या करेंगे हम करेंगे कि जी इफ इट्स नो तो हमने प्रिंट करा दिया हमने पहले प्रोसेस किया कि ग्रेट इज इक्वल्स टू एफ और प्रिंट हो गया ग्रेट एंड द प्रोसेस एंड्स अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लेंथी फ्लो चार्ट है बट इट्स एन ईजी वन आपको वन समझ आ जाएगी कि हमने नेस्टेड डिसीजन मेकिंग कैसे अप्लाई करनी है तो इट्स वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड सो डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कुछ एम जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एम से जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दैट सेज Flowcharts are designed with the help of flowcharts. If we design them, then we will design them. Options: symbols, picture, lines, or none of these. In the options, we will the best option. The best option is option number one that says symbols. Flowcharts are designed with the help of symbols. The next MCQ on your screen says how many steps of problem solving method are there how many of problem solving method Ki the steps discuss kia total kidney steps hai? Options are bypass 4 5 6 ya phir 7 in bhi options may say si correct option that is right option number 2 that says 5 5 steps are there of problem solving method the next mcq that is on your screen says फाइव डब्ल्यूज आर दार्ट ऑफ विच स्टेप अगर आपको याद हो जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स डिस्कस किए थे तो किस स्टेप में हमने देखा था फाइव डब्ल्यूज थे और जब हम फाइव डब्ल्यूज को एक्सट्रेक्ट करते हैं अपनी गिवन प्रॉब्लम में से तो वो कौन से स्टेप में करते हैं ऑप्शन है हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन या फिर डिफाइनिंग कैंडेट सोल्यूशन इन चार डीवी ऑप्शन में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन

पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन या फिर डिफाइनिंग कैंडेट सोल्यूशंस इन चार ऑप्शन में से कौन सी वो ऑप्शन है जो कि आपको बता रही है कि प्रोटोटाइप का क्या मतलब है द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज राइट ऑप्शन नंबर थ्री ड्रॉ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज मीन क्या आप प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं द नेक्स्ट एम सी क्यू दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क मीन्स वो क्या है जो डिफाइन करता है टू डू टास्क को ऑप्शन हमारे पास प्रोटोटाइप एक्ट इट आउट डिवाइड एंड कंकर या फिर कैंडेट सोल्यूशन इन चार दी वी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइन्स अ लिस्ट ऑफ़ टू डू टास्क दैट इज राइट ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स इट आउट इज अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क इसी के साथ हमारा एम सी क्यू पोर्शन हुआ एंड सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखी थी कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हमने नेस्टेड लूप की फॉर्म में डिसीजन मेकिंग को देखा था एक से ज़्यादा दफ़ा जहाँ पे किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें डिसीजंस लेने हों तो हम उनको कैसे बनाते हैं ऐसे फ्लो चार्ट अपेरेंटली थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि बार बार हमें डिसीजन को फॉलो करना होता है बट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट हम इन शाला अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तब तक आप घर पे भी प्रैक्टिस करें और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम जब एक से ज़्यादा दफ़ा डिसीजन जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है तो फ्लोच आर्ट्स कैसे बनाते हैं आई होप टूगेदर वी कैन मेक इट ईज़ी आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हम मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़